20 का वर्ग, तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 0 का वर्ग 0 होगा, और 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, 20 दूना 40, 420 का वर्ग हो जाता है। 21 का इकाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, और 21 में 1 जोड़ दें 22, 22 दूना 44। अब 22 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होगा, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, 24 दूना 48। 23 का 3 का वर्ग 9 होगा, और 23 तीन 26, 26 और दूना करेंगे तो 52 होगा। इसी प्रकार 24 का तो 4 का वर्ग 16 हो गया 6, और 24 4 28, 28 दूना 56, 157। इस प्रकार